अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आने में इतने समय क्यों लगा दिया बेटा? दादी ने एकदम टाइम से पहुंच जाता, लेकिन फिर चूंकि बात सुननी नहीं चाहिए थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या करूं मैं? जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जहाँ श्री राम वहाँ मैं। आओ, ये पालकी तुम्हें तुम्हारी सीता तक पहुंचा देगी। वो तो अच्छा हुआ दादी कि मुझे सही वक्त पर राम भक्त हनुमान जी ने यहाँ पहुंचा दिया, वरना मैं नहीं पहुंच पाता। ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम और माँ जानकी की यही इच्छा थी, उनकी कृपा से ही आप इस रस्म में सही समय पर पहुंच पाए। पत्नी और वो कली, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कैसे काम करती हो? पूरा कचरा भी घेर दिया। माफ कर दीजिए दादी साजी, हम अभी साफ कर देते। मुन्ना क्या हुआ, तुम सब कहीं जा रहे हो क्या? सुजाता, जब कोई बाहर जा रहा होता है तो उसे टोकना जरूरी होता है क्या? दिव्यम से जो गलती हुई थी उसको उसका एहसास है, पछतावा है, इसीलिए राधिका और काया को वो खाना खिलाने लेके जा रहा है। दिव्यम ने मुझसे पूछा था और मैंने उसे इजाजत दे दी। ठीक है माँ, आपने कह ही दिया है तो हम क्या ही बोल सकते हैं। जाओ बच्चों। काश सिर्फ मेरी और दिव्यम की डेट होती, ये राधिका कबाब की हड्डी नहीं होती। खैर, वहां जाके कुछ ना कुछ करके इसे भगाई दूंगी। देवरानी जी की सेहत के साथ साथ उनकी बुद्धि भी मोटी है, लगता है उन्होंने वो पिक्चर नहीं देखी। सहेली बनी सौतन, हमारी बहन होती तो हम तो अपने पति के आसपास बिल्कुल भी फटकने नहीं देते, खास कर कि ये काया जैसी हो तो बिल्कुल नहीं। एंट्री तो सिर्फ मेरी और दिव्यम की होगी, अभी बताती हूँ मैं इस आदू को।
हेलो, मिस्टर और मिसेस बंसल के लिए रिजर्वेशन है। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस बंसल, हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। और राधिका, राधिका तो वो रही। राधिका तुम भी ना पीछे रह गई थी तो आवाज दे देती ना एक बार। देवम जी वो ना हमारा पल्लू फंस गया था, जब तक हम आपको आवाज देते आप आगे निकल गए, इसलिए हमने पीछे से आवाज नहीं। अब साथ में रहना। हाँ चलो, अब तुम आगे चलो। काया आ जाओ। हाय मिस्टर बंसल, आप हमारे होटल के सबसे खास गेस्ट हैं, इसलिए आपके लिए हमारी तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री केक। थैंक यू सो मच। प्लीज मिसेस बंसल। मिस्टर शर्मा। यस सर। Actually, Mrs. Bansal ये नहीं, ये हैं। Oh, I'm so sorry, sir. I'm so sorry. That's totally okay. Mrs. Bansal, please do the honors. Enjoy. Thank you. साथ में काटे? Sure. ये डेट मुझे किसी भी तरह अपनी और दिव्यम की बनानी है, पर राधिका को कैसे दूर करूं? एक्सक्यूज मी, प्लीज ये क्लीन कर दीजिएगा। यस सर। अच्छा जल्दी से कुछ खाने के लिए मंगवा लेते हैं, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अब मैं पीटा ब्रेड, हम्मस एंड टैपियोका सैलेड ऑर्डर करूंगी। राधिका तू भी ये टेस्ट करना, ये बहुत यम्मी होता है। राधिका तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो, ठीक है? नहीं देवम जी, आप लोग जो मंगाएंगे ना हम उसमें से ही खा लेंगे, पर ना ज्यादा मंगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा और अन्य का अपमान नहीं कर सकते हम। राधिका इतनी अच्छाई की मूरत क्यों हो तुम? एक काम करते हैं, तुम्हें जो मंगवाना है, जो खाने की मर्जी है वो मंगवाओ, मैं तुम में से शेयर कर लूंगा। ओके, कुछ वेस्ट नहीं होगा। जो भी करना है जल्दी करो ना प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ दिव्यम जी आप कीजिए ना ऑर्डर। ठीक है। एक्सक्यूज मी, राधिका को काबुली चने खाने से उल्टी होती, हम्मस में वही होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के वही मंगाया। अब आएगा मजा। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। आदू ये ले, ये सच्ची में बहुत टेस्टी है। राधिका क्या हुआ? पता नहीं दिव्यम जी, वो उल्टी उल्टी सा लग रहा है। काया ये इसमें काबुली चना था क्या? अरे हाँ तू, सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि तुझे काबुली चने से उबकी आती है। क्या तुमने कभी बताया नहीं राधिका कि तुम काबुली चना नहीं खाती? दिव्यम जी इसमें बताने जैसा क्या है, हम रोज रोज आपके साथ बाहर खाना खाने थोड़ी ना आते हैं। तो फिर भी एक बार बता तो सकती थी ना। खैर छोड़ो, चलो वॉशरूम चलो। आज तुम लेडीज वॉशरूम में कैसे जाओगी? रुको मैं आदू को लेके जाती हूँ। आराम से, एक काम करो फोन मुझे दो, तुम अपने आप को संभालो। आराम से। आराम से राधिका। खाया को जब पता था कि राधिका को काबुली चने से एलर्जी है तो फिर
ऑर्डर ही क्यों किया? भूल गई थी या फिर जानबूझकर किया? समझ में नहीं आता कि इस लड़की पर भरोसा करूं या ना करूं। अच्छा, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हम वहां जाते। आजा, आजा। आदो, तुम यहाँ उल्टी कर लो, तुम्हें थोड़ा ठीक लगेगा। हाँ, और ये लॉक थोड़ी अजीब सी है, तो इसे ध्यान से बंद करना। मैं यहाँ से जा रही हूँ, वरना मैं भी तुम्हारे साथ उल्टी करने लगूंगी। अब रहो तुम टॉयलेट के अंदर बंद। अब डेट सिर्फ मेरी और दिव्यम की होगी। राधिका कहाँ है? ठीक है ना वो? हाँ दिव्यम, राधिका ठीक है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा, वो फ्रेश होकर आ रही है। उसने कहा है कि हम खाना खा ले, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। एक काम करो, तुम जाके खाना शुरू करो, मैं वेट करता हूँ। दिव्यम, मैं अकेले खाना खाऊंगी तो अजीब लगेगा। कोई नहीं, मैं भी यहाँ वेट करती हूँ। काया भूखी रही तो राधिका फिर से नाराज ना हो जाए। एक काम करते हैं, खाना शुरू करते हैं। राधिका फ्रेश होकर आएगी तो हमको ज्वाइन कर लेगी। ज्यादा नहीं खाया था। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? काया ने कहा था कि ये लॉक अजीब है, लेकिन यहाँ तो दरवाजा ही बंद हो गया। तुम अपने आप को संभालो। हे भगवान, हमारा तो फोन भी हमारे पास में नहीं है, अब क्या करें? राधिका आई क्यों नहीं अब तक? इतना टाइम क्यों लग रहा है उसको? दिव्यम, लड़कियों को थोड़ा वॉशरूम में टाइम लगता ही है। आ जाएगी राधिका, रिलैक्स। कहीं राधिका की तबीयत खराब ना हो गई हो, उसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? संभल कर चलना चाहिए था ना। देखो जरा, दाग ना लग गया हो। प्लीज आप जाइए। दिव्यम, हाथ दो। थैंक्स, मैं क्लीन कर लूंगा। मैं जरा राधिका को देख कर आता हूँ। रुको दिव्यम, तुम कहाँ वॉशरूम जाओगे? मैं आती हूँ। इससे भी राधिका के बिना चैन नहीं मिलता। कोई है? प्लीज हमारी मदद करो। हेलो, कोई बाहर है क्या? हम यहाँ अंदर फंसे, कोई है? ऐसा क्यों लगा कि कोई तो था? यहां से निकलने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, नहीं हो पा रहा है। देखा दिव्यम, मैंने कहा था ना, राधिका को और टाइम लगेगा, तब तक हम खा लेते। वैसे इस ट्रीट के लिए थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। You're welcome. दिव्यम और मेरी पहली डेट।
हे भगवान, बाहर दिव्यम जी परेशान हो रहे होंगे। हे भोलेनाथ, प्लीज कुछ तो कीजिए, हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। देखिए बहन जी, हम ना यहाँ अंदर बंद हो गए, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। कौन है? सॉरी सॉरी, आप तो भाई साहब हैं। भाई साहब, हम ना यहाँ बाथरूम में अंदर बंद हो गए, प्लीज ये दरवाजा खोल दीजिए ना। भाई साहब, एक चोर को इतनी इज्जत, लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है। खोलूं कि नहीं खोलूं? जानते भैया, प्लीज ये दरवाजा खोल दीजिए ना, हमारे पति ना बाहर इंतजार कर रहे हैं, परेशान हो रहे होंगे, प्लीज खोल दीजिए। एक काम करता हूँ, खोल देता हूँ। चाकू निकाल कर इसके सोने और जेवर दोनों लूट लूंगा। वैसे भी यहाँ पर तो सब पैसे वाले लोग ही आते हैं। थैंक यू भाई साहब, लेकिन अपना अपना चेहरा क्यों ऐसे ढका हुआ है? मैम, हमें इस चोर को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, लेकिन आप ये बात प्लीज किसी को मत बताइएगा, हमारे रेस्टोरेंट की इज्जत का सवाल है, प्लीज। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उन सबकी एक ही वजह, मेरा पति। ये देखो मेरी और उसकी फोटो। ये चोर है। बस हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है राधिका को? अब मुझे चिंता हो रही है, मैं जाके देखता हूं। रुको, मैं भी चलती हूँ। क्या करती हो राधिका, इतना टाइम लगा दिया तुमने, मुझे चिंता हो रही थी। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ दिव्यम जी, हम ठीक है, लेकिन आपको पता है हमें बाथरूम में कौन मिला? कौन? काया, हम जानते हैं कि तुम नाराज हो जाओगी, लेकिन हम उन्हें अपने साथ ही ले आए। आप आ जाइए। राधिका, चलो जरा मेरे साथ। क्या है ये खाने में? राधिका, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों तुमने उस इंसान को काया के सामने लाके खड़ा कर दिया है? यही तो है वो इंसान जो मारता था उसको।
कहीं तुम उनका रिश्ता सुलझाने की कोशिश तो नहीं कर रही? दिव्यम जी, हर कहानी के दो पहलू होते हैं और हमने सिर्फ एक ही पहलू सुना है, दूसरा पहलू हम आपको बताते हैं। चोरी करने आया था ना तू? हाँ, अरे चल, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। हाँ हाँ, जरूर ले जाइए, और इनके खिलाफ गवाही तो हम देंगे कि हमारी बहन के पति और उसे बहुत मारते थे। बहन का पति? अब आप ये भी भूल गए कि आपकी एक पत्नी है और आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते थे। अरे, हम काया की बहन राधिका हैं। हाँ हाँ हाँ, हम काया को कैसे भूल सकते हैं, उसी की वजह से तो आज मेरी ये हालत हुई है। मतलब? हाथ छोड़िए ना मैनेजर साहब, एक सेकेंड। देखिए साली साहबा, हमें नहीं पता कि आपकी बहन ने आपको क्या बताया है, पर सच तो ये है कि हम उनको नहीं मारते थे, उल्टा वो हमको मारती थी। आपको यकीन नहीं होता ना, आप ये देखिए, यहाँ देखिए कितना मारा है मुझे। पहले वो हमें मारती थी, फिर वो खुद को मारती थी। उसे तो हमने वो डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर बोला कि उसकी मानसिक स्थिति खराब है। मैंने उसका बहुत ख्याल रखा, उसकी बहुत सेवा की, फिर भी वो मुझे छोड़कर एक दिन भाग गई। देखिए उसको ढूंढते ढूंढते आज हम ये कैसे कंगाली वाली हालत में पहुंच गए। हम सच कह रहे हैं, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, आप मुझे मेरे धर्म पत्नी के पास ले चलिए। राधिका, लेकिन हम उस इंसान को जानते तक नहीं है, उसकी बात कैसे मान लें? विफिन जी, काया हमारी बहन है, हम उसको जानते हैं कि वो बहुत सिद्धि और गुस्सेल है, और काया गुस्से में कुछ भी कर सकती है, इस वजह से हम जीजा जी की बात को भी नकार नहीं सकते हैं ना। और आपको याद है ना कि रिसोर्ट में भी काया ने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी, जबकि उस टाइम पर तो जीजा जी आसपास भी नहीं थे, और डॉक्टर ने भी तो कहा था कि काया की दिमागी हालत थोड़ी कमज़ोर है।